बिजली विभाग की मनमानी और लापरवाही से परेशान हो रहे उपभोक्ता किसानों ने जमकर काटा हंगामा। बिजली विभाग मुर्दाबाद और प्रकार प्रकार के विरोध में लगाए गए नारे। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के राज बिजली विभाग का है, जहां पर मुस्कुरा कर खुद के रहने वाले सैकड़ों किसानों ने आज राजनगर स्थित बिजली विभाग में पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। उपभोक्ता किसानों ने बताया कि उनके कनेक्शन के पैसे ले लिए गए, लेकिन अभी तक ना तो मीटर के तार खंभे से जुड़े और ना ही उनके घर में लाइट पहुंची, लेकिन बिल बराबर आ रहा है। अब इसको बिजली विभाग की लापरवाही कहें या फिर चापलूसी की, बिजली आ ही नहीं रही लेकिन बिल बराबर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं किसानों ने कहा कि बिजली ना मिलने से उनकी फसलें भी तैयार नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये पलेवा और बुआई का टाइम चल रहा है, बगैर बिजली के पानी की सिंचाई नहीं हो सकती, जिसका विरोध करते हुए किसानों ने विद्युत विभाग के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। क्या नाम है आपका और यहाँ सैकड़ों की संख्या में आप लोग बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगा रहे हो, क्या कारण है इसका? भरत कुमार राजपूत। समस्या किसानों की समस्या तो बहुत है। एक तो हमारे यहाँ से जो है पौड़ी रफीटर है, आप पौड़ी रफीटर है, पूरी जो है सैदपुर से पूरी लाइन जो है जर्जर है, लाइन आए दिन जो है टूटते हैं तार, आए दिन जो है किसानों का नुकसान होता है, कई बार जो है कागजों पर जो है लाइन भी चेंज हो गई, आज तक ना कोई खम्भा ना कोई तार जो है चेंज हुआ। क्या इसी शिकायत अभी तक आपने किसी आलाधिकारी जो है जो है शिकायत की बिजली विभाग में, इसकी शिकायत की है जी? क्या आसमान से इनके अलावा अभी तक कुछ मिला है आपको? अभी नहीं। तो क्या चाहते हैं आप और इसमें किसकी लापरवाही समझते हैं? बिल्कुल जो है एसडीओ एक्शन। अब क्या चाहते हैं आप इसमें? पावर हाउस जो है टोटल लापरवाही है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि हम जो है हम जो है किसानों की समस्याएं दूर की जाए, समय से लाइट आना चाहिए जो है, कभी जो है फेस नहीं आते हैं, बिल्कुल लो वोल्टेज आता है, दो दो दिन जो है लाइट नहीं आती है, और मेरे गांव में जो है मीटर लगे हुए कम से कम 300 मीटर से ज़्यादा जो है मीटर लगे हुए संख्या में आप लोग मीटर हाथ में लेकर यहाँ खड़े हो और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, क्या कारण? कम से कम हमारे गाँव से लोग 100 से 150 लोग हैं और SDO साहब के यहाँ कल आए थे तो वो लोग क्या नाम FIR दर्ज करने की धमकी दे रहे थे, और लैंड मैन 1,000 रुपये मंगा रहे हैं, अगर बिजली चाहिए तो 1,000 रुपये सब लोग दीजिए, और 2,500 रुपया बिल आ रहा महीने का, तब मीटर भी आप समस्या बताइए, बिजली जितनी जलाएंगे बिल उतना आएगा, समस्या बताइए क्या समस्या है? मेरे को बिजली आती ही नहीं सर, नहीं आती। क्या कारण है बिजली ना आने का? लैंड टूटती है, कहीं ये लोग जंपर उड़ा देते हैं जाके इनके लैंड मैन अलग अलग। हाँ, संख्या में यहाँ पर लोग बिजली विभाग वालों से त्रस्त होकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? आप जो भीड़ देख रहे हैं ये किसान की भीड़ है, अन्नदाताओं की भीड़ है। एक तरफ आज ये जो सरकार केंद्र और प्रदेश में बैठी है रोज तरह तरह की बातें करती हैं कि ये हम किसानों को ये दे रहे वो दे रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि किसान कितना परेशान है। इन लोगों को बिजली शायद 24 घंटे में 1 घंटे भी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन इनके बिल दो दो तीन तीन चार चार हज़ार। अब आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आकर मीटर तोड़े हैं, इसकी क्या वजह है, कौन जिम्मेदार इसका? अब इसके जिम्मेदार तो ये लोग स्वयं हैं, क्योंकि मीटर के लिए नहीं कहा गया, अगर इनका कोई समस्या थी तो जैसे अभी आवेदन दिया है और उनको उन्होंने बिजली नहीं मिलती वो बिजली हम माफ़ कर देते, उनका उनका बिल उतना माफ़ कर देते। जिस प्रकार से ये ग्रामीण आपके सामने ये आरोप लगा रहे हैं कि इनका मीटर तो इनको मिल गया है, कनेक्शन भी इनके हो गए हैं, लेकिन अभी तक मीटरों की लाइट खंभे से नहीं जुड़ गई, वो बिना लाइट के ही इनके बिल आ रहे हैं। हाँ, तो इसको प्रत्यावेदन देते हैं, उसके जांच करा देते हैं, उतना बिल माफ़ कर देते हैं, उनके अगर नहीं कनेक्शन जुड़े थे कनेक्शन जुड़वा दिए जाते हैं साइट पर। सर, आपने अभी जैसे कि आपने अभी पब्लिक से बताया कि आपने लिखित शिकायत इसकी भेजी है और जल्दी इसका समाधान होगा, तो कब तक होगा और क्या इसका स्थायी समापन हो पाएगा? लास्ट जो 33 के भी लाइन अलग अलग होनी है नौरंगा और 8 सेकंड की, 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है, 31 दिसंबर तक ये लाइन अलग अलग हो जाएगी। सर, जैसे कि कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं लाइन मैनों की, पैसा लेते हैं, क्या इनके ऊपर कभी कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है? साक्ष्य सही समय दें तो लाइन मैन को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा उस लाइन मैन को। कितने दिन का आश्वासन दिया आपने कि कम से कम इनका ये जो समस्या है समाधान हो जाएगा? समस्या का पूरा प्रयास किया जा रहा है और जो भी कार्रवाई है भेजी गई है, अब उसके लिए अनुरक्षण मरम्मत लाइन का मरम्मत करने के लिए जब एस्टिमेट हमारा स्वीकृत होकर आ जाएगा तब तत्काल काम करा दिया जाएगा। लगभग लगभग कितना समय लग जाएगा? अब समय का प्रतिबंधित है, लाइन का तो समय है 31 दिसंबर, लेकिन इसका जब तक एस्टिमेट नहीं स्वीकृत होकर आता है तब तक इसका हम टाइम नहीं लगा सकते।